एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। शारदीय नवरात्रि में मां महामाया मंदिर प्रांगण राजपुर में उमड़ रही भक्तों की भीड़, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। रोजाना आरती भजन कीर्तन के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मां महामाया मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। वहीं गौरतलब है कि आज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज के लोगों में भारी उत्साह देखा और रैली भी निकाली गयी। वहीं बच्चों ने कार्यक्रम भी किया और रात में जगराते का आयोजन भी किया। वही हम आपको बता दें कि राजा अग्रसेन जी के बारे में, महाभारत काल द्वापर युग अपनी चरम सीमा पर था, यानी कि पूर्णता था। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अग्रवाल सूर्यवंशी श्री राम जी के वंशज हैं। यह बात उस समय की है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्री राम जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। द्वापर युग अपने चरम पर था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। श्री राम जी के पुत्र कुश की चौथवी पीढ़ी में राजा अग्रसेन जी का जन्म अश्विन शुक्ल एकम के दिन हुआ था। वहीं आपको बता दें, महाराजा अग्रसेन ने अपने एक नए राज्य का नाम अग्रवोद्य रखा था। कहा जाता है कि वहीं अग्रोहा वर्तमान में अग्रवालों का तीर्थ स्थान है, जो आज के हरियाणा के हिसार के पास है। यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए पांचवें धाम के रूप में पूजा जाता है। आज मैं माँ महामाया के शक्ति पीठ पे आज यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ आप पीछे देखेंगे कि माँ महामाया का दरबार है और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करके अपने जो भी मनोकामना होती है उसे मांगते हैं और पूरा भी होता है। आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि यहाँ आज अभी हर दिन जो है कि महिलाएँ भी मौजूद हैं। अभी अभी चंद आ रही हैं, दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएंगे। अभी आना चालू हुआ है और यहाँ कीर्तन भी चलता है, जो कि आप हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे, थोड़ा सा इधर लेके आइए, अंदर दिखाना है, अंदर दिखाइए। ये हमारी माता के दरबार है, जो कि बहुत ही नमस्कार। बलरामपुर जिले के राजपुर में आज मौजूद हूँ। यहाँ पे अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी रखा गया और किस तरह का उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है? बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है। सारे बच्चे कुछ न कुछ बन के आए हुए हैं और हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, न केवल हमारे राजपुर शहर में बल्कि पूरे विश्व में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और अग्रसेन महाराज जो हमारे अग्रज हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे हम सब पर और सभी लोगों की शुभकामनाएं पूरे विश्व के लिए शांति का है, जो कि हम देना चाहते हैं। और आप लोगों के द्वारा भंडारा भी रखा गया है? जी हाँ, भंडारे का कार्यक्रम है, खाने पीने का भी कार्यक्रम है, श्रद्धालुओं में किस तरह का इसमें देखा जा रहा है? रात को जगराता का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि अग्रबंधु जितने भी है वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और देखा जा रहा है।